नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली के बारे में कि इनकी पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगी अपने स्टूडियो में रिनाउंड सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर सुमित सेठी। आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कुंडली। आज है 19th एंड 20th है और सेम डे अपलोड होगी रॉड। 20th ऑफ अप्रैल 2024 सैटरडे, आज ही हम वीडियो शूट कर रहे हैं और आज ही सेम डे अपलोड होगी। आज हम अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली के बारे में बात करेंगे कि इनकी पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। ये इनकी कुंडली है और ये इनके प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है। जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं वो इनसे अपने राजयोग मैच कर सकते हैं और जो स्टूडेंट सीख रहे हैं उनको हेल्प मिलेगी। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन फिर से वही है कि दिल्ली पोल में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इनकी पार्टी की, जो कि 25 मई को है, और पंजाब पोल में जो कि 1 जून को है, इनकी पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ हमने लिया 16th अगस्त 1968 इंटरनेट से, 12:30 AM हिसार, ये हमने इंटरनेट से ली है। और ये हमारी अपनी कैलकुलेशन से, आप इसको फॉलो करें या ना करें आपकी अपनी मर्जी है। और अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है। ये तो है इनकी कुंडली अरविंद केजरीवाल जी की। नेक्स्ट कुंडली आप किस पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी पे देखना चाहते हैं हमें कमेंट या मैसेज करके बताइए। और सेम इसी पैटर्न में हम आपकी कुंडली भी बना सकते हैं, आपको व्हाट्सएप या मेल कर सकते हैं। आप अलाउ करोगे तो ही हम यूट्यूब पे डालेंगे, और जो क्वेश्चन आप मना करोगे हम यूट्यूब पे नहीं डालेंगे, आपको पर्सनली एक्सप्लेन कर देंगे। इसके हमारे चार्जेस होते हैं और प्रोसीजर बहुत लंबा है। तो आप चाहें तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। चलिए ये पॉइंट्स मैं पढ़ देती हूँ। लगन है इनका वृषभ, हमारी जो प्रिडिक्शन होती है लगन से होती है। लगन है इनका वृषभ, फर्स्ट हाउस में देखिए इनका 2 नंबर लिखा हुआ है। टॉरस है ये वृषभ है, जो कि शुक्र वीनस को डिनोट करता है। चंद्र लगन इनका लिखा हुआ है एरीज, ये चंद्रमा लिखा हुआ है 1 नंबर है। तो चंद्र लगन इनका मून साइन है एरीज, जो कि मंगल मार्स को डिनोट करता है, मेष। सूर्य लगन है इनका कैंसर कर्क, ये सूर्य लिखा हुआ है 4 नंबर है। तो सन साइन है इनका, सूर्य राशि है इनकी कैंसर कर्क, जो कि चंद्रमा को डिनोट करती है। हमारी जो प्रिडिक्शन होती है लगन से होती है, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून साइन को फॉलो करते हैं, सन साइन को नहीं करते। और काल सर्प योग है इनकी कुंडली में 5th और 11th। आप देखिए सारे प्लैनेट्स एक ही साइड है, ये बाकी 5-6 हाउसेस खाली है। सूर्य ग्रहण है इनकी कुंडली में, क्योंकि सूर्य यहाँ पे और राहु का 5th आस्पेक्ट है सूर्य पे, तो सूर्य ग्रहण है। केजरीवाल अरेस्ट हुए थे 21st ऑफ मार्च को। दोस्तों अब ये आपके सामने कुंडली, दोस्तों इससे पहले हमने 2022 में कुंडली बनाई थी केजरीवाल जी की, मार्च 2022 में जब पंजाब जीते थे लोग, तब दोस्तों मैंने एक बात कही थी उस वीडियो में। दोस्तों मैं देख कोशिश करता हूँ उसका वो डालने का दोस्तों थंबनेल। उसमें उन्होंने लास्ट में एक बात कही थी कि 2024 के अंदर केजरीवाल जी की राहु की दशा चल रही होगी, तब 2 साल पहले की बात है दोस्तों, कि उस दशा में दोस्तों राहु 99 पर तो लेकर आ जाएगा लेकिन 100 पे लाने में दिक्कत करेगा। तो मतलब जीतते जीतते इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दोस्तों आज जेल के अंदर है, अरेस्ट हो चुके हैं, तो दोस्तों वाली बात हमारी ठीक रही। तब मैंने एक बात और दोस्तों बार बार दोहराई थी उसके अंदर कि बीजेपी जीतेगी जीतेगी और बीजेपी सिर्फ बीजेपी ही जीतेगी 2 साल पहले दोस्तों। अभी भी मेरी दोस्तों वही बात है कि बीजेपी जीतेगी। उसमें मैंने एक बात दोस्तों और कही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी, मुझे लगता है आज वो बात सच हो रही है कि अगर अपोजिशन पार्टी केजरीवाल जी को अपने चेहरा बना लेते हैं, इनको आगे करके चलते हैं, इंडिया जो अलायंस बनाए इन लोगों ने, तो आज इंडिया अलायंस की जो दोस्तों पोजिशनिंग है कुछ और पोजिशनिंग होती है, वो ज्यादा अच्छी खासी पोजिशनिंग होती है। उसमें मैंने एक बात और कही थी कि 2029 आते आते केजरीवाल जी का चेहरा बहुत बड़ा हो जाएगा और 2024 में काफी बड़े होकर निकलेगा, लेकिन 2029 इनके लिए बहुत अल्टीमेट चेहरा होगा, राहुल गांधी को रिप्लेस करेंगे एज एन ऑपोजिशन लीडर। तो वही चल रहा है आज, अगर आप न्यूज देखते हैं तो केजरीवाल जी डिस्पाइट वो जेल के अंदर है उसके बावजूद उसने न्यूज में वही छाए हुए हैं। रीजन दोस्तों कोई भी रहे, कॉन्ट्रोवर्सीज कोई भी रहे, कभी उनके खाने को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी, इंसुलिन को लेकर है, उनका ब्लड शुगर लेवल को लेकर है, तो दोस्तों केजरीवाल जी आज भी छाए हुए हैं, कभी दिल्ली हाई कोर्ट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में, कभी दोस्तों जो दूसरा कोर्ट है उसमें, जहाँ पे दोस्तों कभी इनके बेल के ऊपर बात हो, तो मतलब केजरीवाल जी उसको छा रखे हैं इसमें आज के डेट में, और कोई नहीं है दोस्तों आज के डेट में। मोदी जी नजर आएंगे आपको या केजरीवाल जी नजर आएंगे दोस्तों, और दोस्तों राहुल गांधी और बाकी ऑपोजिशन लीडर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। अब दोस्तों मेरी वाली बात तो बिल्कुल ठीक थी 2022 वाली, अब इस पर दोस्तों फोकस करते हैं। इस वजह से मैं राजयोग पर ज्यादा नहीं जाऊंगा कि क्यों इतने बड़े इंसान बने, कैसे बने दोस्तों, वो सब हमारी पहली कुंडली के अंदर। तो आज हम फोकस करेंगे सिर्फ 2 डेट्स पे दोस्तों, जो मेरे पास पहले नहीं थी, आज हमारे पास डेट्स हैं। तो वृषभ लगन यानी कि दोस्तों इनका सेल्फ का लॉर्ड हो गया दोस्तों वीनस, दोस्तों शुक्र हो गया इनका 4th हाउस के अंदर दोस्तों, 1st एंड 4th बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, कई बार डिस्कस करा दोस्तों पिछली और कुंडली में दोस्तों। तो चंद्र लगन हो गया मेष इनका दोस्तों, चंद्रमा है नंबर 1 के अंदर, लेकिन दोस्तों जो चंद्र लगन का जो लॉर्ड है मंगल दोस्तों वो है नीच का, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और साथ में तो सूर्य भी इसका बताता हूँ अभी आपको, जो सूर्य लगन भी हो गया इनका चंद्रमा, तो चंद्रमा आ गया दोस्तों मंगल की राशि में और दोस्तों मंगल आ गया चंद्रमा की राशि में, यानी कि दोस्तों दोनों प्लैनेट्स के बीच में इंटरचेंज ऑफ साइन, 12th इन 3rd
थर्ड एंड ट्वेल्थ, उसको दोनों नेगेटिव क्लाइंट्स आपस में जब साइन इंटरचेंज करते हैं वो अच्छा खासा इंटरचेंज नहीं होता, वो प्रॉब्लमेटिक इंटरचेंज रहता है। दोस्तों ट्वेल्थ और थर्ड की जब इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी तो कॉन्ट्रोवर्सीज में रहने की या नेगेटिविटी रहने की उसको संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों यहाँ पे तो मंगल नीच का भी है और चंद्रमा यहाँ पे शनि के साथ है। दोस्तों कौन सा शनि? जो रेट्रोग्रेड है। तो दोस्तों इनको ऐसे इंसान को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कोई भी इंसान होगा समझना मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। और क्योंकि जो थर्ड हाउस होता है आपके यारों का, दोस्तों का, सपोर्टर्स का मंगल भी दोस्तों उन्हीं को डिनोट करता है। तो नीच का मंगल थर्ड हाउस में आपके जो 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 सर्कल होता है फ्रेंड सर्कल ज्यादा देर तक टिकता नहीं है, वो बीच बीच में टूटते चले जाता है। उसमें दोस्तों ज्यादा देर तक एक खराब नहीं आता बिकॉज मंगल यहाँ पे नीच का होगा। दोस्तों अब इनकी कुंडली में काल सर्पयोग भी देखे, दोस्तों 6 नंबर में केतु और दोस्तों 12 नंबर में राहु। देखिए दोस्तों ये पूरा अगर हम लोग एक्सेस देखें 6 और 12 का एक्सेस दोस्तों अगर हम देखें तो इस पे आप देखिए जिनको समझना समझ लेंगे। देखिए दोस्तों ये 6 और 12 का एक्सेस दोस्तों, अब इसके नीचे दोस्तों देखिए 7 खाली, 8 खाली, 9 खाली, 10 खाली, 11 खाली। दोस्तों 1 2 3 4 5 दोस्तों 5 हाउसेज खाली है, बाकी जो एक्सेस है दोस्तों राहु और केतु का। देखिए केतु और राहु का जो एक्सेस दोस्तों सारे दोस्तों प्लैनेट उसके एक तरफ आ गए, लेफ्ट साइड पे आ गए उसके। यानी कि दोस्तों काल सर्पयोग तब होता है जब राहु और केतु के एक्सिस के या तो एक तरफ सारे प्लैनेट होंगे राइट में या लेफ्ट में या ऊपर या नीचे। तो बेसिकली उसमें यहाँ पे काल सर्पयोग है जो कि इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता इनके। तो फिफ्थ और इलेवंथ हाउस में तो इलेवंथ हाउस हो गया आपका हेल्थ का, और तो फिफ्थ हाउस बुध की राशि तो पैनक्रियाज को डिनोट करता है, आपके डायबिटीज को डिनोट करता है, स्टमक को डिनोट करता है। तो केजरीवाल जो डायबिटिक है तो ये कहीं ना कहीं काल सर्पयोग भी है दोस्तों। और जब दोस्तों शनि भी दोस्तों ट्वेल्थ हाउस में नीच का हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर शनि भी नीचे हो गया और चंद्रमा भी तो हॉस्पिटलाइजेशन या मेडिकल एक्सपेंसेस को डिनोट करता ही है। तो केजरीवाल जी काफी टाइम से बेंगलुरु में जा रहे हैं अपने जो विपासना के लिए जाते हैं, अपने डायबिटिक का ट्रीटमेंट लेते हैं, तो ये यहाँ पे कहने की दोस्तों बात साबित हो भी जाती है। तो काल सर्पयोग दोस्तों 11th और 5th हाउस में ज्यादा अच्छा नहीं होता। दोस्तों सूर्य ग्रहण देखिए आप, दोस्तों इस कुंडली में सूर्य ग्रहण देखिए दोस्तों, सूर्य अगर थर्ड हाउस में और दोस्तों राहु 11th हाउस में, 1 2 3 4 5 दोस्तों राहु का फिफ्थ एस्पेक्ट सूर्य पे आने से जो सूर्य ग्रहण की उत्पत्ति हो जाती है, तो काइंड ऑफ ए नेगेटिव कॉम्बिनेशन दोस्तों। सूर्य यहाँ पे जो फोर्थ का लॉर्ड है, जनता का भी लॉर्ड है, थोड़ी सी नेगेटिविटी बढ़ जाती है दोस्तों। और साथ में दोस्तों अगर आप देखें मंगल भी यहाँ पे है, नीच का मंगल जो सूर्य भी यहाँ पे, दोनों गर्म पॉइंट दोस्तों थर्ड हाउस के अंदर। तो कई बार आप क्या बोलते हैं थर्ड हाउस दोस्तों आपके बोलने का भी होता है, कम्युनिकेशन का भी होता है आपने। तो कई बार आप क्या बोल जाते हैं जोश में आते हो, थर्ड हाउस जोश को दिखाते हैं आपके सेल्फ को। तो आप जोश में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं दोस्तों जो बाद में आपको उसकी भरपाई करनी पड़ जाती है, बिकॉज मंगल नीच का सूर्य भी दोस्तों यहाँ पे गर्म गर्म दोस्तों शब्द मुंह से निकल आते हैं दोस्तों। इनका तो हिस्ट्री भी रही है, कुछ ऐसी बातें हैं दोस्तों जो बाद में जाके लोग फिर उनको सोशल मीडिया पर बातें आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों सूर्य और मंगल जो थर्ड हाउस में, एक बात आदमी करेजियस बहुत बनाते हैं, बोल्ड बहुत बनाते हैं दोस्तों। ये इंसान डरता नहीं है किसी के साथ दोस्तों, भी इनकी खासियत है, इनमें बोल्डनेस बहुत ज्यादा है। मोदी जी को हेड ऑन लेके चलते हैं, बीजेपी को हेड ऑन लेके चलते हैं। अगर हम आज ऑपोजिशन लीडर की दोस्तों बात करके देखें दोस्तों, चाहे वो ममता बनर्जी हो या केजरीवाल जी हो, ये दोस्तों बड़े हॉट हेडेड लीडर हैं और मोदी जी को या बीजेपी को मतलब हेड ऑन लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये भी एक कहीं ना कहीं खासियत हो जाती है, बट क्योंकि यहाँ पे मंगल नीच का हो जाता है और राहु का इम्पैक्ट आ जाता है तो वाणी में कंट्रोल के बाद नहीं रह पाता, तो ये दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाती है। अब दोस्तों देखिए 14 मार्च से लेके दोस्तों 15 अप्रैल तक था दोस्तों सूर्य ग्रहण, सूर्य राहु दोस्तों साथ में से मीन राशि में। दोस्तों हमारी कई सारी वीडियोस आई थी दोस्तों, हम जिसमें आपको बार बार एक बात की थी कि जिनकी अपनी कुंडली के अंदर भी सूर्य ग्रहण है उनको 14 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, लीगल इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं दोस्तों। तो एग्जैक्टली इसी टाइम पर केजरीवाल जी भी अरेस्ट हो गए, देखिए दोस्तों 21 मार्च को, क्योंकि इनके अपनी कुंडली में तो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन है, राहु का कंजंक्शन सूर्य के साथ है, एस्पेक्ट सूर्य के ऊपर है, तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण भी लग गया था उस समय। तो केजरीवाल जी दोस्तों उस समय कहने के अरेस्ट हो चुके थे। तो ये जिनकी कुंडली में भी दोस्तों सूर्य ग्रहण था उन लोगों ने दोस्तों बहुत ज्यादा झेला। दोस्तों इनकी कुंडली में तो ना सिर्फ सूर्य ग्रहण था बल्कि जैसे मैं बताया आपको काल सर्पयोग भी था। इस काल सर्पयोग की वजह से दोस्तों 12th हाउस में शनि नीच का होने की वजह से और उस मंगल का सूर्य के साथ नेगेटिव होने की वजह से दोस्तों इनका जो आप मान के चल सकते हैं अरेस्ट जो हुआ था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे साबित हो जाता है। तो अब लेकिन हालांकि वो 15 अप्रैल का ये जो है दोस्तों 15 अप्रैल का टाइम दोस्तों निकल चुके हैं, पर आज 20 अप्रैल है, यानी कि सूर्य ग्रहण की दोस्तों फॉर्मेशन थी वो तो खत्म हो चुकी है। अब क्या रहने वाला आगे दोस्तों वो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे समझने का। चलिए ये पॉइंट्स हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, तो इससे पहले जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहें तो मैं कॉन्टेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के, ईयरली रिपोर्ट के लिए, कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आपका आने वाला टाइम कैसा है। ये तो है केजरीवाल जी की कुंडली, आपकी अपनी कुंडली बताएगी आपका आने वाला टाइम कैसा है। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया और जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए
ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर एंड कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। चलिए अब हमने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं तो हम सीधा दशाओं पे आ जाते हैं। इनकी राहु की दशा चल रही है करंट दशा, महादशा 18 साल की महादशा जो कि हम सब जानते हैं 17 मार्च 2010 को स्टार्ट हुई, 2028 में नहीं खत्म होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये 2028 ये है, 2010 नहीं होगा, 2008। चलिए 2008 में स्टार्ट हुई, 17 मार्च 2026 को खत्म हो गई 18 साल की महादशा। तो ये दशा इनके लिए कैसी रहेगी? राहु इनका 11th हाउस का, जबकि 11th हाउस का वो तो राहु बेनिफिशियल होता है, बाकी आप बताएंगे इनकी ये दशा महादशा इनके लिए कैसी है। एक बड़ा फोन कर लो दोस्तों, राहु जुपिटर की बात करके तो अब देखिए, सो अगर आप नोटिस करें 2008 से 2010 में तो दशा शुरू हुई थी, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ दोस्तों, जब इनके राहु की दशा शुरू हुई थी तभी से इनके तरक्की भी शुरू हुई है दोस्तों, अन्ना आंदोलन में दोस्तों आए थे साथ में, उसके बाद दोस्तों एक के बाद दोस्तों चुनाव जीतते चले गए, चुनाव भी ऐसे थे लैंडस्लाइड विक्ट्री, चाहे वो दिल्ली की बात करें चाहे पंजाब की बात करें दोस्तों, इतनी बड़ी दोस्तों जीतें इनको मिली इसी राहु की दशा में। सीएम बने दोस्तों, 3-3 बार सीएम बने सेंट्रल में दोस्तों, मतलब अगर हम बात करें आज फोर्स की बात करें, एक मोदी जी को जो हेड ऑन ले सकते दोस्तों केजरीवाल जी है, तो दोस्तों यानी कि राहु की दशा इनके लिए खराब नहीं रही। पैचेज में दोस्तों हो सकता है खराब रही हो, हेल्थ के लिए खराब है बिकॉज काल खत हो गए, और दोस्तों अगर ओवरऑल आप देखेंगे राहु 11th हाउस में दोस्तों इतना बुरा काम नहीं करता, मीन राशि के अंदर तो बिल्कुल बुरा काम नहीं करता, तो काइंड ऑफ दोस्तों आप कह सकते हो कि मिक्स रिजल्ट यहाँ पे राहु देखा जाता है। 11th राहु दोस्तों कभी खराब करता नहीं है, 11th हाउस दोस्तों गेंस का होता है तो गेंस को बढ़ा के जाता है, तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों राहु ने काफी सारे गेंस बढ़े, लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पे काल तत्व हो गया, हेल्थ पे डेंट डाला दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे राहु का इम्पैक्ट सूर्य के ऊपर है तो लीगल इशू दोस्तों बहुत ज्यादा रहते हैं इनके साथ दोस्तों, क्योंकि थर्ड हाउस दोस्तों आपके होते हैं टीम का, यानी कि आपकी पार्ट, अगर आप दोस्तों सीएम है आपकी टीम दोस्तों, बाकी टीम के मेंबर्स हो गए आपके से सिसोदिया जो गए बाकी थे दोस्तों जो भी थे शुरू से इनके साथ, जिसमें दोस्तों कुमार विश्वास भी थे, आशुतोष भी थे दोस्तों, काफी सारे थे जो अब करीब करीब छोड़कर जा चुके, प्रशांत भूषण दोस्तों उनके पिता भी इनके साथ थे, शांति भूषण तो दोस्तों, किरण बेदी भी शायद इनके साथ थी, तो सब ने दोस्तों छोड़ के इनको जाग लिया। इसमें दोस्तों राहु का थर्ड हाउस पर इम्पैक्ट, सूर्य के ऊपर इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज थर्ड हाउस होता है आपकी टीम का, टीम लीडर बनकर अगर आप रहते हैं तो थर्ड हाउस आपका स्ट्रॉन्ग होना मस्त है, थर्ड हाउस आपका वीक होगा वहाँ पे ग्रहणों को, तो टीम आपके साथ हैंडल नहीं हो पाता, ये दोस्तों जीत बन जाते छूटने के, बट क्योंकि सो राहु यहाँ पे 11th हाउस में तो दोस्तों उनको गेंस बहुत ज्यादा मिले, और क्योंकि दोस्तों सूर्य मंगल साथ में तो मेहनती दोस्तों हैं ये, इंटेलिजेंट भी बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ सूर्य मंगल की दशा। चलिए राहु की महादशा की बात हो गई, अब हम आते हैं इस दशा को हम छोटा कर लेते हैं, अंतरदशा पे आते हैं। राहु में जुपिटर, राहु 11th में है और जुपिटर इनका 4th हाउस में, फैन फॉलोइंग वाले हाउस में, 8th का लॉर्ड है और 11th का लॉर्ड है, तो ये दशा इनके लिए कैसी रही होगी, कैसी रहेगी? 22 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुई और 17 मार्च 2026 तक चलेगी, ऑलमोस्ट 2.5 साल की दशा, तो ये दशा इनके लिए कैसी रहेगी? चलिए फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिए, जल्दी मैं आपका क्वेश्चन लेंगे कि दिल्ली पोल्स और पंजाब पोल्स में इनकी परफॉर्मेंस इनकी पार्टी की कैसी रहेगी। अब देखेंगे राहु में जुपिटर शुरू हुआ दोस्तों 22 अक्टूबर 2023, और अगर दोस्तों आप नोटिस करेंगे दोस्तों एग्जैक्टली यही टाइम था जब इनके लिए मुसीबतों का दौर चालू हुआ, इसी टाइम के आसपास दोस्तों संजय सिंह गिरफ्तार हुए दोस्तों, उनकी हमारी वीडियो है, तो इससे थोड़ी पहले हुए थे आपके मनीष सिसोदिया जो उनको लगभग 1.25 साल होने वाले दोस्तों, तो उससे पहले सत्येंद्र जैन इनको 2 साल होने वाले हैं, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे पहला समन जब आया था दोस्तों केजरीवाल जो 9 समन आए थे, इसमें दोस्तों पहला समन जो था इसी डेट के आसपास आना शुरू हुआ था, यानी कि राहुल ने जुपिटर दोस्तों बहुत सा काम नहीं किया दोस्तों, आपको याद होगा 31 अक्टूबर 2023 तक तो गुरु चंडाल योग भी था, तो वो भी दोस्तों नेगेटिव फॉर्मेशन थी, और गुरु अगर आप यहाँ पे देखते हैं कुंडली में 4th हाउस के अंदर है, अपने ही करियर हाउस को देखे दोस्तों, अपने रेपुटेशनल हाउस को देखे, जिसके राशि में ऑलरेडी राहु बैठे हुए, यानी गुरु चंडाल योग दोस्तों इनके लिए काफी ज्यादा नेगेटिव था, तो इस टाइम पे दोस्तों अगर आप देखें शनि रेट्रोग्रेड भी था, तो इनके कुंडली में शनि दोस्तों नीच का भी है रेट्रोग्रेड भी है, तो प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ से जो नेगेटिविटी इनके लिए स्टार्ट हुई वो बढ़ते चली गई, तो ओवरऑल दोस्तों राहु में जुपिटर की दशा दोस्तों कोई बहुत ज्यादा अच्छी दशा नहीं है इनके लिए, तो दोस्तों दूसरी बात क्या कि वृषभ लग्न के अंदर जुपिटर जो होता है बहुत अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता, बिकॉज दोस्तों एक तो वृषभ लग्न के अंदर दोस्तों शुक्र का दुश्मन हो गया दोस्तों, चंद्रमा के साथ भी इसके कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर अगर आप देखेंगे चंद्रमा 12th हाउस में शनि के साथ कंपेटेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं आती, तो वृषभ लग्न दोस्तों शुक्र गुरु जो होता है दोस्तों वैसे भी नेगेटिव होता है, और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं प्लेसमेंट के हिसाब से देखें काल सर्व योग के बीच में इसकी फॉर्मेशन को देखें, राहु की गुरु की राशि प्लेसमेंट को देखें, 2023 में गुरु चंडाल योग को देखें और शनि के रेट्रोग्रेशन को देखें, तो ये दशा दोस्तों इनकी जो स्टार्टिंग दशा होती ये नेगेटिव दशा थी, तो ये दोस्तों काफी ज्यादा एक काइंड ऑफ दोस्तों नेगेटिव दशा हम इसको कह के चलेंगे, अब आगे दोस्तों क्या होगा इनके लिए वो हम समझ करते हैं, और दोस्तों दूसरी बात क्या है इस समय दोस्तों जब बात हुई थी तो गुरु यहाँ पे दोस्तों गोचर का था इनका 12th हाउस, यहाँ पे दोस्तों जुपिटर था 12th हाउस में दोस्तों इसका जो था गोचर 12th हाउस में, तो अब 12th हाउस का गुरु चंडाल योग, गुरु की महादशा,
काल साहब जब दोस्तों गुरु की राशि में, उसने दोस्तों बुरा करना ही था, उसने बुरा करा दिया। अब आगे क्या होगा दोस्तों चुनाव में वो हम लोग कोशिश करते हैं देखने। चलिए अभी इस दशा को हम और छोटा कर लेते हैं, बिल्कुल करंट दशा पे आते हैं, प्रत्यंतर दशा पे। राहु जुपिटर मरकरी, राहु फिर से 11th में और जुपिटर और मरकरी गुरु और बुध दोनों ही 4th हाउस में, फैन फॉलोइंग वाले हाउस में। 12 नवंबर 2024 को स्टार्ट हुई, 17 मार्च 2025 तक चलेगी, मतलब लास्ट मंथ खत्म हो चुकी है दशा। तो ये दशा इनके लिए कैसी रही, चार महीने की दशा इनके लिए कैसी रही? तो अब 12 नवंबर 2024 को ये दशा शुरू होगी दोस्तों, और अभी हम लोग बात करके देखें दोस्तों यहाँ पे इनके राहु में जुपिटर की दशा चलने वाली है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, अगर आप नोटिस करेंगे, अब 1 मई को दोस्तों गुरु आ जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे दोस्तों गुरु यहाँ पे आ जाएगा, इसका गोचर होगा दोस्तों। हमारी वीडियो आनी बाकी है, बहुत बड़ा गोचर दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा इनका रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु फर्स्ट हाउस में आकर दोस्तों इनका रिलीफ मिलेगा दोस्तों। दूसरी बात क्या, राहु के समय अगर हम लिखे गोचर, इनके आइडेंटिकल चार्ट वाले टाइम पे ही चल रहा है दोस्तों। तो अब इन सब चीजों का हम लोग फैक्टर करके चले दोस्तों, दिल्ली चुनावों को फैक्टर करके चले, 25 मई वाले चुनावों को, पंजाब को दोस्तों। तो एक बात दोस्तों मैं आपको कंफर्म कहता हूँ कि राहु जुपिटर की दशा दोस्तों बहुत अच्छी नहीं होती, बट थैंकफुली दोस्तों गुरु का यहाँ पे आ जाना, फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं चीजों को बेटर करके चलेगा दोस्तों। तो ये एक बात कंफर्म है। पंजाब की पहले अगर मैं बात करूँ केजरीवाल जी का चार्ट से, जैसे हम लोगों ने दोस्तों भगवंत मान की कुंडली बनाई थी, उसमें एक बात बताई थी कि उनके वजह से ही पंजाब में दोस्तों जो सीटें आएंगी सो आएंगी, उसमें केजरीवाल जी का रोल नहीं होने वाला। तो एग्जैक्टली वही बात मैं फिर से कह रहा हूँ कि पंजाब पोर्ट में दोस्तों केजरीवाल इम्पैक्ट नहीं रहने वाला, जीरो इम्पैक्ट रहने वाला है वहाँ पे। इनके दशा कोई बहुत अच्छी दशा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो भी दोस्तों जो भी गेन होंगे, जो भी चीजें होंगी वो भगवंत मान के चेहरे पे होंगी, भगवंत मान के दोस्तों मेहनत के हिसाब से होगा, उसमें मुझे लगता है दोस्तों केजरीवाल जी का रोल रहने वाला है। तो अगर हम दिल्ली की बात करके देखें, क्योंकि 25 मई दोस्तों गुरु सिर्फ अभी अभी आया ही होगा, पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, तो इतना हम लोग मान के चल रखते हैं दोस्तों दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज, बहुत ज्यादा डाउन रहेगी दोस्तों। शायद एक सीट आ जाए, मुझे तो वो भी दोस्तों नहीं लगता कि एक सीट भी आएगी, 7-0 या 6-1 का स्कोर रहेगा दोस्तों। एक सीट शायद दोस्तों इनकी आ जाए, मुझे लगता है दोस्तों वो भी नहीं आने वाली, बिकॉज वो भी इस बेस पे आएगी दोस्तों कि गुरु इनका फर्स्ट हाउस में आ जाएगा, वो भी गेंस का लॉर्ड गुरु यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, और गुरु की दशा भी चल रही है तो वहां पे दोस्तों उम्मीद बनती है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों आने वाला टाइम भी केजरीवाल जी के लिए बहुत बड़ी उम्मीद है, लेकिन नहीं आने वाला तो बहुत ज्यादा यहाँ पे फायदा नजर नहीं आता है दोस्तों। एक बात अच्छी है कि गुरु जब यहाँ पे आएगा उसका इम्पैक्ट जाएगा दोस्तों 5th हाउस पे और 9th हाउस पे, जो तो किस्मत को बढ़ाता है थोड़ा, तो वहां से दोस्तों उम्मीदें बन सकते हैं कि आगे जाके इनको बेल मिल जाए, तो कोई ऐसे रीजन बने कि जो इन पे केसे चल रहे हैं थोड़ी ढील आ जाए। बट फिलहाल दोस्तों जब तक राहु की दशा रहने वाली है तो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इनके लिए कोई बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आने वाली है, तो बहुत ज्यादा फायदा इनको मिलने वाला है। और उससे एक आखिरी बात बता दें आपको कि अभी भी दोस्तों अगर आप देखेंगे सूर्य दोस्तों इनका 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं 14 मई तक, तो 14 मई तक सूर्य भी यहाँ पे, तो वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहता। शुक्र दोस्तों इनका 12th हाउस में गोचर कर रहा है अभी जून तक, मिड जून तक तो, या मिड मई तक दोस्तों सॉरी, तो वो भी कोई बहुत अच्छा इंपैक्ट नहीं आने वाला। तो जितने भी दोस्तों कॉम्बिनेशन है दोस्तों केजरीवाल जी को बहुत जल्दी राहत मिल जाए, चाहे वो जेल की बात करें चुनावों की बात, दोस्तों नजर नहीं आ रहा। आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस दोस्तों बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहने वाली है दोस्तों, पंजाब में अच्छी रहेगी, उसमें भगवंत मान का रोल होगा दोस्तों, इनका रोल दोस्तों वहां पर नहीं रहने। चलिए फ्रेंड्स हमने डिस्कस कर लिया है, तो आपने सुमित क्या प्रेडिक्शन दिया है, मतलब दिल्ली पोल में इनकी कैसी रहेगी परफॉर्मेंस? कोई बहुत ज्यादा अच्छी रहने वाली नहीं है दोस्तों, बिलो एवरेज, चाहे राहु को देखें, जुपिटर को देखें दोस्तों, मर्क्यूरी को देखें, मर्क्यूरी भी आजकल दोस्तों नीच का चल रहा है, उसके हमारी वीडियो देखी होगी आपने। तो सारे दोस्तों जो कॉकटेल बने हुए इस समय वो एक ही बात को दर्शा कर जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस बिलो एवरेज रहेगी। पंजाब में कुछ सीटें आएंगी बट वो भी दोस्तों भगवंत मान के ऊपर, इनके ऊपर, बाकी दोस्तों इनको अभी रिलीफ नहीं मिलने वाला, ना तो इनकी टीम को रिलीफ मिलने वाला, इनको खुद को रिलीफ मिलने वाला है। अभी दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम रहने वाली, लीगल केस भी चलने वाले, मतलब नेगेटिव टाइम चल रहा है इनका। दिल्ली पोल में तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, पंजाब पोल्स में भी होगी तो वो भी भगवान बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स सुमित के वर्ड्स मार्क कर लीजिए, अगर किसी के कोई क्वेश्चन रह गए हो तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है। ये तो है केजरीवाल जी की कुंडली, नेक्स्ट कुंडली आप किस पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी पे देखना चाहते हैं हमें कमेंट या मैसेज करके बताइए, हम वेट कर रहे हैं। अब हमारी कौन सी है दूसरी दो वीडियो, संडे और मंडे दोस्तों? इसके बाद हमारी है बुध की, बुध का दोस्तों जो डायरेक्ट हुआ मार्गी हुआ, तो अगर दोस्तों हमारी वीडियोस बुध की है, वो इंपॉर्टेंट वीडियोस दोस्तों, उसमें भी आपकी लाइफ पे काफी इंपैक्ट पड़ने वाला है। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं बुध की वीडियो पर। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।